आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जीवन में रिश्ते धागे की तरह होते हैं, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जीने का सहारा बनती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब हमेशा याद रखते हैं। अकेले ही सफ़र करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए। दोस्त और दुश्मन तो अक्सर कामयाबी की बात बनते हैं। कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। परेशानियों से भाग जाना जरूर आसान होता है, मुश्किल जिंदगी अपने आप में इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कहाँ कुछ मिलता है, लड़ने वाले के कदमों में ही जहान होता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने जाता है, वो अक्सर धोखा खाता है। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने को, मेरा भोले हर बार आएगा मेरी नैया पार लगाने को। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और अगर मुरझा जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हम वो भी हासिल कर सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। भले ही भगवान ने हमें वक्त को रोकने की शक्ति ना दी हो, परंतु आने वाले अपने वक्त को बदलने की शक्ति जरूर दी है। महादेव कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है और नए को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त कर लेती है।